अलामा साहब किधर जा रहे हैं? मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, अलामा साहब भूखड़ताली कैंप चल रहा है। आपसे मैंने पूछा था कि आप जो है अलामा जो होते हैं ना, उनको भूख ज्यादा लगती है, आप खाने पीने से नहीं निकल रहे? नहीं, भूखड़ताली कैंप, भूखड़ताल हमारी 7 बजे तक जारी है, तो इंशाल्लाह 7 बजे तक हम भी भूखड़ताल बिल्कुल जारी रखेंगे। ये तो अलामती है हजरत, अभी मैं आपके साथ चलूंगा। आपको कुछ खाने पीने नहीं देना, आप भूखड़ताल कैंप का हिस्सा है और आपने ऐलान किया कि मैं कुछ खाऊं, बिल्कुल भूखड़ताल का हिस्सा है। देखिए बात ये है कि नाश्ता क्योंकि लेट किया है, अभी लंच तो किया ही नहीं है। 7 बजे यहाँ से जाना है, 8 बजे फिर डिनर भी करेंगे। नहीं, वो हो सकता है हम यहाँ से करके जाए। आज है भूखड़ताली कैंप, तो आप लोग हमारे लिए जिस तरह मीडिया के लोग हैं, जो दूसरे लोग आए थे उनके लिए तो आएगा खाना, तो जो पीटीआई के एमपीएज और जो इस तरह आपके कारकुन है, रहनुमा है जो बैठे हैं इस कैंप पे, वो भी वो खाएंगे बिरयानी या वो भूखे रहेंगे? नहीं, आज भूखड़ताल है, वो बिरयानी भी जब लंच वंच का टाइम हो जाता था। और यहीं पे हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजहबी अमूर विंग के सदर हैं अलामा असगर आरब चिश्ती साहब, और इनको बानी चेयरमैन पीटीआई का बड़ा करीबी साथी भी समझा जाता है, उनसे बात कर लेते हैं। अलामा साहब, आप अलामा हैं और आपकी जो यानी कि बिरादरी है, हम बड़ा एहतराम करते हैं, आपसे हमने पढ़ा है, सब कुछ सीखा, तो इस पे इल्ज़ाम आता है कि आप खाना पीना तो बहुत ज़्यादा करते हैं, आप कैसे खाना पीना छोड़ेंगे और किस तरीके से भूखे रहेंगे? देखें बात ये है कि ये एक सियासत है, सियासत के अंदर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और ये जो आज का ये जो भूखड़ताली जो कैंप है, ये इमरान खान की रिहाई के लिए, इस मुल्क में आईन की कानून की हुक्मरानी के लिए। सर मुझे पहले ये बताएं, अभी तो अब 3 बजे हम यहाँ पे आए हैं ना, आप यहाँ पे आए हैं, सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया था और लंच में क्या खाया? देखिए बात ये है कि नाश्ता क्योंकि लेट किया है, अभी लंच तो किया ही नहीं है। तो नाश्ता क्या किया था? बस वो जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़े हलाल अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 बजे यहाँ से जाना है, 8 बजे फिर डिनर भी करेंगे? नहीं, वो हो सकता है हम यहाँ से करके जाए, यहीं से करके जाएंगे, भूखड़ताली कैंप में डिनर। देखें आज का ये जो कैंप है, ये अलामती है, ये अलामती भूखड़ताली कैंप है, जब इसको बकायदा अनाउंस किया जाएगा फिर तो सारे जो एक लवाजमात है वो देखें। पहले यहाँ पे पीटीआई हर हफ्ते एहतजाज कर रही है, बिरयानी भी आती है, ठीक है, स्कंजमी भी आती है और भी खाने पीने की चीजें आती हैं, आज है भूखड़ताली कैंप, तो आप लोग हमारे लिए जिस तरह मीडिया के लोग हैं, जो दूसरे लोग आए थे उनके लिए तो आएगा खाना, तो जो पीटीआई के एमपीएज और जो इस तरह आपके कारकुन है, रहनुमा है जो बैठे हैं इस कैंप पे, वो भी वो खाएंगे बिरयानी या वो भूखे रहेंगे? देखें जी, जो टाइम तय हुआ है उस दौरान तो सब भूखे रहेंगे, इसके बाद जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हलाल की हैं वो हम सब पे हलाल है, तो इंशाल्लाह खाते रहेंगे। इस वक्त जो है वो पीटीआई की भूखड़ताल जारी है और पीटीआई के रहनुमा हैं अलामा असगर आरब चिश्ती, वो यहाँ से भूखड़ताल से जा रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अलामा साहब किधर जा रहे हैं? मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, अलामा साहब भूखड़ताली कैंप चल रहा है, आपसे मैंने पूछा था कि आप जो है अलामा जो होते हैं ना, उनको भूख ज़्यादा लगती है, आप खाने पीने से नहीं निकल रहे? नहीं, खाने पीने नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी नमाज का वक्त करीब है। भूखड़ताली कैंप, भूखड़ताल हमारी 7 बजे तक जारी है, तो इंशाल्लाह 7 बजे तक हम भी भूखड़ताल बिल्कुल जारी रखेंगे। ये तो अलामती है हजरत, हम तो खान साहब के लिए जो भूखड़ताल आखिरी सांस तक है वो भी करने के लिए। अभी मैं आपके साथ चलूंगा, आपको कुछ खाने पीने नहीं देना, आप भूखड़ताल कैंप का हिस्सा है और आपने ऐलान किया कि मैं कुछ खाऊं, बिल्कुल भूखड़ताल का हिस्सा है। भूखड़ताली कैंप अब लंबा होता जा रहा है, प्यास भी शदीद लगी हुई है गर्मी से और भूख भी है, अब देखते हैं अलामा साहब कहाँ पे जाते हैं। मलिक साहब, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ 4 घंटे की डाइटिंग हो रही है, नाश्ता भी करके रात का डिनर भी जाके करना है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, अब तनकीद करने वाले को मुंह मनी बंद कर सकते, हमारी एक पॉलिसी है, हमारी एक स्ट्रेटजी है, आज हम शुरू कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है अगले 2-3 घंटों में हमको नया ऐलान कर दें, तो हमने मुकाबला करना है, और आप देखेंगे कि 50,000 बंदा इधर भूख हड़ताल करेगा खान के, इधर यहाँ पे, यहाँ पे लाहौर के अंदर करेगा, मैं जगह का तो नहीं, जगह तो हमें और चाहिए होगी, लेकिन 50,000 बंदा भूख हड़ताल का ऐलान करें। कैसी हैं आप और भूख हड़ताली कैंप कैसा जा रहा है? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। जैसे कि हमारे लीडर इमरान खान कैदी नंबर 804 ने कल से अनाउंसमेंट की है कि हम भूख हड़ताल कैंप लगाएंगे, हमने नेशनल असेंबली के बाहर जो है वो कल लगाया था और आज पंजाब असेंबली के बाहर लगाया। अच्छा, मुझे ये बताएंगे सुबह आप नाश्ता क्या करके आएंगे? आज हमने जब से खान साहब ने ऐलान किया है हमने तब से ही खाना पीना छोड़ा। तो यहाँ पे क्या खाएंगे? हम कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक खान साहब हमें नहीं, खान साहब ने अभी तक जो है वो हड़ताल शुरू नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ अभी का ऐलान है, जब वो ऐलान करते हैं हम फौरन से उस पर अमल दरामद करते हैं। तो अभी यहाँ से जाके डिनर में क्या खाना? अभी कुछ नहीं, यानी आप परमानेंट हड़ताल पे जा चुकी हैं? बिल्कुल, हम परमानेंट हड़ताल पे जा चुके, बिकॉज हमें अपना पाकिस्तान को बचाना है। आप भी यहाँ पे बैठी हैं, गर्मी है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? किसी चीज को पाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ये पाकिस्तान भी बिना किसी कुर्बानी के यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं किया। रही साहब, 4 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इस भूख हड़ताल का कितना फायदा होगा, क्या मकसद हासिल कर सकते हैं? देखें, हमारे बाकी पॉलिसी के मुताबिक
कल नेशनल असेंबली के अंदर और हमारे एमएनएज और सेनेटर ने की, आज हमने की यहाँ पर। ये अलामती भूख हड़ताल है ताकि हम आवाम को आने वाले दिनों के अंदर जो हमने एहतजाज का प्लान बनाया हुआ है उसके लिए तैयार कर सकें, ज़हनी तौर के ऊपर भी, मॉरली तौर के ऊपर भी हम उनको तैयार कर सकें। राइट साहब, यहाँ पे ही हमने एहतजाज कवर किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, और 100 के करीब जो है अराकीन असम्बली मौजूद होते हैं आपके। आज भूख हड़ताल है, 4 घंटे भूखे रहना था, सिर्फ 4-5 अराकीन असम्बली नजर आ रहे हैं, उसकी क्या वजह? भूख के डर से नहीं है? नो 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 नो, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर भी हमारे MPs मौजूद थे। अभी तकरीबन 20 से 25 MPs मौजूद हैं, बाकी आ रहे हैं। हमारा सबसे राबता है, हमने किसी पे ये स्ट्रेस नहीं किया, हमने ये कहा है कि जो लाहौर में MPs मौजूद हैं वो सब आ जाएं, और सब के सब यहाँ मौजूद होंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, यहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त कारपेट बिछाए जा चुके हैं, बड़ी तादाद में कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद हैं, खातीन यहाँ पे मौजूद हैं, नारेबाजी भी चल रही है, और इसको अनशन भी कहा जाता है, भूख हड़ताल भी कहा जाता है, हंगर स्ट्राइक भी कहा जाता है, वो इस वक्त यहाँ पे भरपूर तरीके से जारी है। लेकिन हमेशा 2-3 घंटे के बाद बिरयानी आ जाती है, आज देखते हैं बिरयानी आती है या नहीं। तो और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, भूख हड़ताली कैंप आप इसमें मौजूद हैं, इस वक्त शदीद गर्मी है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, तो क्या समझती हैं कब तक भूखा रह सकता है इंसान इतनी गर्मी? देखें, ये तो आज तो अलामत ही है, हम ये तो नहीं झूठ बोलेंगे कि हम सुबह से भूखे हैं। सुबह नाश्ता करके आए? हाँ हाँ, मकसद ये तो अभी तो अलामती है ना, 4-5 घंटे जब प्रॉपर भूख हड़ताल होगी तो फिर आप हमारा हाल देखना। यहाँ पे शेख साहब बिरयानी भी आती होती थी इन्हीं कैंपों में, आज बिरयानी नहीं आ रही? नहीं, आज भूख हड़ताल है, वो बिरयानी भी जब लंच वंच का टाइम हो जाता था, और मुझे कहते हैं अंदर 3 करोड़ रुपए का खर्चा, तो हमारा तो बिरयानी समेत 50,000 बाहर आता था। मेरा अंदर स्पीकर साहब से कहूँगा कि आप भी बाहर ही आ जाएं, कौम का पैसा बचाते हैं, आप आ जाएंगे जरा, बिरयानी ज़्यादा आ जाएगी, और हम इजलास भी है वो यहाँ पे कर लिया। अभी आप भी आए हैं, जो बाकी रहनुमा आ रहे हैं, आ चुके हैं, वो नाश्ता लंच वगैरह करके आए हैं? नहीं, आज हमारी इलामती भूख हड़ताल है और हम इस वक्त कुछ भी नहीं करके आए, क्योंकि एक सॉलिडेरिटी डिनर नहीं, बिल्कुल वो, क्योंकि 4 घंटे की है, ऐसे ही मैं आपको कहूँ ये अभी अलामती है, इसको समझना ज़रूरी है कि ये अलामती है, इसका दायराकार जो है हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, इसका टाइमिंग भी आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाएंगे। हम इसका दायराकार पंजाब असम्बली है, फिर डिस्ट्रिक्ट होंगे, फिर तहसील होंगी, फिर यूनियन कौंसिल होंगी। अच्छा, तो फिर यानी कि जो ये लोग बाहर बेचारे वर्कर काम कर रहे हैं और फिर बिरयानी भूल जाएं आज का दिन? जी, आज का दिन आपसे माजरत है, आज आपको पानी भी मिल जाए तो बड़ी बड़ी बात है। जी बिल्कुल, शेख इम्तियाज साहब यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आज भूख हड़ताली कैंप चल रहा है, सुबह से वो कह रहे कुछ खा के नहीं आए, लेकिन डिनर लाजमी होगा क्योंकि अलामती भूख हड़ताली कैंप है। यहाँ पे बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, खातीन भी मौजूद हैं, अराकीन असम्बली भी मौजूद हैं, और वो सभी भूख हड़ताली कैंप में बैठे हुए हैं। ना पानी का आज कोई इंतजाम किया गया है, ना खाने पीने का किया गया, लेकिन डिनर कहना है सबका कि जाके लाजमी करेंगे।